लूटो और भगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉडस्टर्स को भगवाओ, ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए। मोदी सरकार को जब एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ दिवालिया डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स 1 अगस्त 2017 को चालू हो गई थी, तो मोदी सरकार को 5 साल क्यों लगे केवल एक एफआईआर दर्ज करने में कि इन्होंने 28 बैंकों का 22,842 करोड़ गबन कर दिया। लूटो और भगाओ, जनता का पैसा लुटवाओ और फ्रॉडस्टर्स को भगवाओ, ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है बैंक फ्रॉडस्टर्स के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। साथियों, तीन तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, तीन तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर एक, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं, तीन महत्वपूर्ण तथ्य, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21,00,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। देशवासियों, ये आपका पैसा है जो देश के बैंकों में है, और लूटो और भागो, बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो और भागो, ये मोदी सरकार की बैंक के फ्रॉडस्टर्स के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। और आज जब हिंदुस्तान के लोग जागे तो उन्होंने हर समाचार पत्र में पढ़ा कि एबीजी शिपयार्ड और उसके मालिक ऋषि अग्रवाल देश का बैंकों का 28 बैंकों का समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 22,482 करोड़ रुपए का फ्रॉड उन्होंने किया है। 22,482, ये 75 साल में होने वाला सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। और 5 साल की देरी के बाद, ये महत्वपूर्ण है जो किसी कहीं आपको मिलेगा नहीं, 5 साल की देरी के बाद, बार बार फाइलें इधर से उधर करने के बाद, फ्रॉडस्टर्स को पैसा गबन करने का पूरा मौका देने के बाद, भगोड़ों को भाग जाने का मौका देने के बाद, 60 महीने की देरी के बाद आखिर में सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करी। 28 बैंक। साथियों, ये पहली बार नहीं है, मोदी जी की लूट और एस्केप फ्लैगशिप स्कीम के कई मोहरे इस देश ने देखे, और पता नहीं उनमें से कई मोदी भी हैं। देखिए उनकी लिस्ट अगर मैं आपको पढ़ूं कुछ की, नीरव मोदी यानी छोटे मोदी, मेहुल चौकसी जिसे प्रधानमंत्री हमारे मेहुल भाई कहकर पुकारते हैं, अमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेसरा, नितिन संदेसरा, और ये बहुत सारी बड़ी लिस्ट है।
और शहनशाह के जो रतन हैं उनकी लिस्ट में अब ऋषि अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है। पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को लिखा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री, एसबीआई पत्र पत्र खेल रहे थे। दूसरी बार एसबीआई ने लिखा, फाइनली 7 फरवरी 2022 को 5 साल के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई। मैं इसकी कॉपी भी आपको भेज रहा हूं। और एक बड़ी कमाल की बात है इसमें, जो ये चिट्ठी लिखी एसबीआई ने 3.5-4 साल इंतजार करने के बाद, इसमें यह लिखा कि कोई बैंकिंग अधिकारी, हमने जांच कर ली, सबके सब निर्दोष हैं। मतलब 22,482 करोड़ लूट गया, परंतु चोर कोई नहीं। और यह इसकी क्लॉज 12 पेज 26 पे आपको मिलेगा, मैं पढ़कर आपका समय नष्ट नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं, एक्शन टेकन बाय द बैंक अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट हैज बीन क्लोज्ड एज वी फाइंड नो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। यानी चोर कोई नहीं है, पैसा जरूर लूट गया। दूसरी रुचिकर बात यह है कि ये एपीजी शिपयार्ड सूरत और दहेज है कौन, ये भी देश के प्रधानमंत्री जी के लगता है मुझे के चहेते हैं। क्यों लगता है, उसके दो तथ्य हैं और दो उसके बाद और बताऊंगा। पहला, इस एपीजी शिपयार्ड को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2007 में 1,21,000 स्क्वायर मीटर जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट में सूरत में एलोकेट की आउट ऑफ टर्न। दूसरा रुचिकर तथ्य यह है कि इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी एबीजी शिपयार्ड को दहेज गुजरात में, जो बहुत बड़ा पोर्ट है, एससीजेड के अंदर सरकार की एक्वायर हुई जमीन में से 50 हेक्टेयर जमीन और दे दी। इधर सीएजी आपको इंडाइट कर रहा, आप कह रहे हो नहीं भैया और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कि ये ऋषि अग्रवाल और एबीजी शिपयार्ड 4 वाइब्रेंट गुजरात समिट्स में मोदी जी के साथ मंच पर बैठकर 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुका है। चेक द फैक्ट्स। और चौथा रुचिकर तथ्य, वो शायद प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं कि क्यों लेकर गए थे। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरिया गए 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो अपने डेलीगेशन में एक व्यक्ति जो लेकर गए उसका नाम भी ऋषि अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड। अब मुझे नहीं पता वो चाहते हैं या नहीं, आप खुद इन तथ्यों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे सीधे सवाल है देश की सरकार से, मोदी सरकार को जब एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ दिवालिया डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग्स 1 अगस्त 2017 को चालू हो गई थी, तो मोदी सरकार को 5 साल क्यों लगे केवल एक एफआईआर दर्ज करने में कि इन्होंने 28 बैंकों का 22,842 करोड़ गबन कर लिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।